अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज दिल्ली ना बारामूला में एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाका पेश है। दोस्तों वहां पे एक लेडी सड़क से जा रही थी, वहां पे आर्मी व्हीकल आई जिसकी वजह से वो लेडी उसकी जद में आ गई। उसके बाद वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उसके बाद उसको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। वहां पे हमारी कश्मीरी कुछ बहनें कुछ माएँ सड़क पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। वो सिर्फ यही चाहते कि इन लोगों को कोई इंसाफ नहीं दे रहा, क्योंकि ये आर्मी व्हीकल है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो सबके पास पहुँचना चाहिए। दोस्तों और एक खबरी में आपको बताने जा रहा हूं, हमारे कश्मीर का एक ऐसा नौजवान लड़का जिसकी नई नई शादी हो रही थी, जब वो दुल्हन को लेने के लिए दुल्हन के घर पे चला गया, उसके बाद उसने 1,00,000 रुपए मेहर के पैसे दिए दुल्हन को, लेकिन दुल्हन ने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया इस मेहर के पैसे को लेने के लिए, उसने माफ कर दिया और अपने दूल्हे को वापस कर दिया 1,00,000 रुपए। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। इस लड़की ने सही किया गलत के मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस बहन के लिए माशाल्लाह कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको वहां की बॉलीवुड क्लिप खाने वाला हूँ। मुबारक चाहे खानदान सपदन वाजि खानदान शरीक हयात तम खे महर माफ गुश खबरी नौ की लेख जी दस कत कैसे चलो दोस्तों, आप लोगों ने नए दूल्हे की वायरल वीडियो क्लिप देखा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। अल्लाह की कसम, जब भी कोई इस वीडियो क्लिप को देखता है ना, खुदा का मो कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखता है, क्योंकि एक ऐसी खूबसूरत वीडियो क्लिप है। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी नई दुल्हन ने ये मेहर के पैसे इनकार किया लेने से, क्या इस लड़की ने सही किया गलत किया कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।